जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि ये हमारी मान्यता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लेकर एक दूसरे के अंदर जो हमारे भेदभाव है, ये भेदभाव सिर्फ मन के स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे नहीं है। आत्मा में सिर्फ आत्मिक प्रेम होती है, और परमात्मा या आत्मा जब स्थिति में चले जाते हैं तो वहाँ में ये सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म सात हो जाते हैं, सब रहते ही नहीं आपके लिए। कोई धर्म बचता ही नहीं है, कोई कास्ट एंड कम्युनिटी, करुणा मात्रा, एक प्रेम मात्रा बचता है। अंत में वो करुणा ही शरीर में रहने का एक बंधन होता है, अंत में वो करुणा प्रेम भी छूट जाता है, और आप पूर्ण स्थिति में जब शरीर को त्याग करते हैं तो पहुंच जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इस बात को अगर मनुष्य समझ जाए, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य इस बात को समझ जाए कि हमने जो जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म के नाम पर जो विभाजन हमने किया हुआ है, ये विभाजन किसके आधार पर हुआ है? सब मन के आधार पर हुआ है। तो हम क्या करें कि इस विभाजन से हम अविभाजन पे आ जाएं, इस विभाजित भाषित बनाई हुई संस्कृति, भाषा और धर्म से अविभाजित उस यूनियन पे हम कैसे आ जाएं? अगर आप बाहर में दो धर्म देख रहे हैं, दो संस्कृति भाषाएं जब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जब दो देखते हैं तो आप भी अंदर से बंट जाते हैं, आप भी अंदर से दो हो जाते हैं। और जिस दिन ये सब कुछ बटने में, जो अबटना वाला स्थिति है, उस स्थिति में आप जब पहुंच जाएंगे तो ये आपके अंदर ये सब जाति धर्म के नाम पे सब जो दिखाई दे रहा है आपके लिए सब एक हो जाएंगे, कोई दो बचेगा नहीं। तो मात्र सिर्फ यही एक उपाय है जगत कल्याण का, जीव कल्याण का, मानव कल्याण का, समाज कल्याण का, कि अध्यात्म के राह पे जितना जल्दी हो सके उतर आओ, भागते आओ, रेस लगा दो, दौड़ लगा दो, उतर आओ और समझो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे उत्पत्ति हुई है, तुम्हारी स्वरूप क्या है। तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी साफ होगी, सारे कंफ्यूजन जल के भस्म साथ हो जाएंगे, प्रेम उतर आएगा, सब समझ जाओगे, शांति, परम शांति की अनुभूति होगी, परम आनंद में रहोगे। और ऐसा जिसने नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे जितना भी भटक ले दुनिया में, कहीं भी पहुंच कर भी कहीं नहीं पहुंचता है, ना कोई आज तक पहुंचा है ना कोई पहुंचने वाला है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने व्यक्तिगत चेतना को मिटाकर समष्टि चेतना में प्रवेश कर जाना है, जहां में सब कुछ है, और सब कुछ जो खो देता है उसको सब कुछ मिल जाता है। इसी को जीसस क्राइस्ट कहते थे, वन हु गेट्स रेडी टू लूज एवरीथिंग गेट्स एवरीथिंग। वह व्यक्ति जो तैयार है सब कुछ खो देने के लिए, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो आप सभी जितना जल्दी हो सके इस भेदभाव, जाति धर्म संस्कृति के नाम पर बटे हुए हैं अंदर से, वो जितना जल्दी हो सके इसको अंदर से और आगे बढ़कर उस गहराई में उतरे जहां में कुछ बटा हुआ नहीं है, सब कुछ एक है, बस एक।